भाई साहब सुबह बस निकल लो एक बार है ना। Hey, good morning everyone and welcome back to our bed travel. क्या मॉर्निंग थी यार आज सुबह, अमेजिंग है ना। बालकनी में निकलते ही पूरा एकदम हिरन के झुंड। इतने सारे डियर्स हैं एक साथ है ना? Yes. मजा आ गया देखो, मतलब 15-20 मिनट हम वही करते रहे बैठ के बालकनी में, बस बालकनी में बैठे रहो और क्या। इतना बढ़िया था। अभी बस 7 बज रहे हैं तो हमें बस थोड़ा एक स्ट्रोल लेके आते हैं, चक्कर मार के आते हैं ना फॉरेस्ट ड्राइव का मिलता है। यस यस यस, ये अर्ली मॉर्निंग फॉरेस्ट ड्राइव काफी सुंदर रहती है। यस तो चलो आप लोग भी चलो है ना। यस चलो घुमा दे आपको जंगल में देखना। There are bunch of deers right side में, उतर नहीं पाऊंगा ना इधर है, right side में देखो। हाँ, my god, भरपूर एकदम। Hello, hi, कैसे हो आप लोग? तबीयत पानी सब बढ़िया? सुबह बस निकल लो एक बार है ना, ऐसे ही टहलते हुए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मजा आ गया। 7 बजे से इनकी गेट खुल जाती है तो आराम से एक चक्कर मार सकते हो मधुमलाई बंदीपुर दोनों का। तो हम दोनों को ही कवर करेंगे, अभी कोई काम धाम तो है नहीं। यही काम है यहाँ पे और क्या है, मतलब यही घूमने आए ना तो यही करेंगे। और हेलो, हाय मोर, हेलो, शी वाज जस्ट राइट देयर नेक्स्ट टू अस। तो ये हम अभी जा रहे हैं मधुमलाई के अंदर से। मधुमलाई का काफी बड़ा सेक्शन है ये, बस एक छोटा सा सेक्शन हम क्रॉस कर रहे हैं शुरुआत वाली। तो यहाँ से फिर थोड़ा मेन जंगल की तरफ चलेंगे, देन वहां से होते हुए बांदीपुर। मस्त इतने नजदीक से कभी नहीं देखा है ना। हेलो, कहाँ पे? दरिया के अंदर। हाँ उधर एकदम खुले में है ये। और तेरी पंख Oh nice. My god. मजा आ गया आज। वेटिंग फोटो लेने की कोशिश करते हैं। सुबह का दिन सब बन गया आज।
देखा आप लोगों ने, माय गॉड, बिना बारिश के फुल एकदम, कितनी देर पोस्ट दिया उसने, बहुत देर तक, बहुत देर तक। ये थोड़ा सा भी गाड़ी की मूवमेंट शुरू हो जाती है, सब अंदर चले जाते हैं। हाँ, बट अभी तक बहुत है, इधर भी एक है। हाँ, इधर सामने ही है एकदम। अभी हम मधुमलई से होते हुए जा रहे हैं बांदीपुर की तरफ। अमेजिंग मॉर्निंग, मॉर्निंग का क्या बोले, मतलब इट्स अनबिलीवेबल, एक्सेप्शनल, सुपर थ्रिलिंग। मतलब हम भी बहुत बार सुबह आ चुके हैं, मतलब क्रॉस करते हैं ना इसको, इतने सुबह एक्चुअली कभी नहीं। हाँ। क्योंकि जैसे भी आप बैंगलोर से पहुंचो, कुछ भी करके 10-11 तो बच जाती है। हाँ। तो ये बस रोड साइड में। हाँ। आप उनके एकदम बाजू में नजदीक में लग के जाते हो, वो मोस्टली नहीं होता है। और अमेजिंग थी, बिल्कुल डर नहीं रहे वो लोग, आराम से खड़े होके पोज वोज दे रहे हैं, सब कुछ डिस्टर्ब मत करो। हाँ, आप उतर के उनको कुछ भी करने की कोशिश मत करो, बस गाड़ी में बैठो और आराम से उनका फोटो वोटो लो, दे आर चिल्ड आउट, आसपास लगो, उनको पता है कि आप उनका सिर्फ फोटो लेने आए। यस, बढ़िया। अच्छा, ये अंदर वाला पीछे ही है। हाँ, वो उधर इसके पीछे है, झाड़ के पीछे है ना, ये एकदम नजदीक। चलो चलो। ये पेड़ छुपा आगे वाले बाहर। हाँ, दिखा दिखा दिखा। मंगूस भी दिख गई हमें। अरे आज तो मतलब हम सोच ही रहे थे कि हाथी गजराज जी दिख जाए, दिख गए। हाँ। थोड़ा सा दूर आते आते ही मंगूस दिख गए। बढ़िया। अभी बस बाइस मतलब। हाँ। इतना ही है जो सारे सफारीज में दिखते हैं। दिस इज काइंड ऑफ योर ओन सफारी, आप अपने कंफर्ट में कर रहे हो। हाँ। ये मतलब बहुत बढ़िया लगता है हमेशा। यस, इसीलिए कल पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, हमने बोला था कल आपको कि सफारी तो नहीं करेंगे, बट अर्ली मॉर्निंग ड्राइव जरूर लेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग अगर आ रहे हो तो मस्ट, सुबह सुबह उठ के मस्ट। बस अभी हम एंट्री ले रहे हैं बांदीपुर। यस, वेलकम टू खरजा। तो हमने घुमा लिया गाड़ी, बांदीपुर के सफारी ऑफिस तक गए, फिर वहां से यू टर्न मार लिया। बांदीपुर में कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ दिखा नहीं। हाँ, बांदीपुर में कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट थोड़े बहुत ही दिखे जानवर है ना। यस, मधुमलई में एकदम फुल पैसा वसूल, कुछ थोड़ा अर्ली टाइम भी था, अभी सब गाड़ियां जो मूव होने लगी है। हाँ। और कुछ कुछ गाड़ियां हैं जो पागलों के जैसे मूव हो रही है, फुल स्पीड में एकदम। कुछ नहीं, बस अभी हम पहुंचते हैं रिसॉर्ट में जाके, अगर ऑन द वे और कुछ दिखती है तो ऑब्वियसली दिखाएंगे। फिर ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करके फिर फ्रेश फ्रेश होके फिर निकलेंगे घड़ी के लिए। चलो, भाई साहब, फाइनली चिकना होके सब कुछ करके फ्रेश फ्रेश होके निकल पड़े हम। यस, अभी घर ही चलेंगे। ऑल द वे टू होम। यप, यहाँ से है डिस्टेंस 254 किलोमीटर, 4.5 घंटे के आसपास, वही कल के जैसे ही बोल रही आंटी माते, सेम टाइम बोल रही हैं। अभी कुछ 11:30 के आसपास बज रही है, तो 4:15 तक पहुँच जानी चाहिए, अगर हाँ रास्ते में थोड़ा लंच ब्रेक लेंगे। हाँ। अगर पॉसिबल हुआ तो। हाँ। मतलब अगर मन किया तो
बाकी इधर का होम स्टे कम रिसोर्ट जो भी बोलो इसको, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो हम बाद में बताएंगे थोड़ी देर से। रास्ते में चलते हैं, ये वाला स्ट्रेस थोड़ा सा निकलते हैं, फिर मिलते हैं। चलो सुबह हम लोग इसी रास्ते में ही निकले थे, सुबह 7 बजे थी और 5 मिनट में आप रुकते रुकते जा रहे हुए हो और अभी एक बंदर भी दिखना मुश्किल है। हाँ मतलब ऐसा था कि अगर आप 20 के ऊपर स्पीड बढ़ाओगे ना राइट, तो आपको सडन ब्रेक मारनी पड़ेगी क्योंकि सारे डियर जो हैं वो क्रॉस कर रहे हैं इधर से उधर से उधर से इधर, बस मतलब इधर एक झुंड उधर एक झुंड ऐसे करके, और कहीं से पिकॉक है। हाँ ये पे भी पिकॉक है, मतलब आज तो हमने कितने सारे देखे, उसके बाद हाथी मंगूस अपने देखा वीडियोस में, बट अभी तो मतलब थोड़ा सा भी अगर लेट हो जाए तो बस हम बांदीपुर के एंड में, ये पीछे ग्रीन ग्रीन बांदीपुर के क्वार्टर्स पोस्ट ऑफिस भी है यहाँ पे। हाँ वैसे यहाँ पे BSNL का नेटवर्क चलती है एकदम स्मूथ है ना, बाकी तो सब टप है, बाकी एयरटेल भी जीरो है, जियो भी जीरो है। हाँ बांदीपुर के ये वाले जो कॉटेज है जो बांदीपुर के खुद के है, उन पे अगर आप रुको तो सुबह काफी बढ़िया व्यू मिलती है एंड रात को भी शाम को एकदम आपके सामने ही आके खड़े होंगे वो रहते हैं, और फिर वो लोग रात को थोड़ा सा नेचर वॉक काइंड ऑफ अरेंज भी करते हैं, उससे काफी बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। राइट वो टॉर्च वॉर्च लेके तो ये तो उनका सफारी वाला पॉइंट है। एनीवे बस हम यहाँ से निकलते हैं, अभी तो फिलहाल नेटवर्क कुछ है नहीं है ना, एक बार गेट क्रॉस करते हैं फिर मेन रोड पे जाके मिलेंगे। यप हाँ तो भाई साहब बात करते हैं हम जहाँ रुके थे है ना, क्या नाम था उसका, मिस्टी ओज रिसोर्ट। मिस्टी रिसोर्ट काफी अच्छा है, मतलब स्पेशली उसका लोकेशन, यूएसपी उसकी बढ़िया लोकेशन है, और उन्हें एक टावर बना हुई है वॉच टावर, इट्स एन अमेजिंग प्लेस। शाम को वहां से जो व्यू दिखती है माय गॉड, एंड ऑब्वियसली मॉर्निंग में बालकनी से बहुत ही बढ़िया लगता है, बस बालकनी में चले जाओ, चले जाओ के बैठ वही खेल कूद कर रहे होंगे राइट। बट हाँ अगर आप उसको टारगेट कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट आप उसको डायरेक्टली बुक करो इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन, आपको काफी सस्ता पड़ेगा। खाना पीना वाज वेरी एवरेज, तो डोंट एक्सपेक्ट मच, एंड स्पेशली उसका ब्रेकफास्ट वाज बिलो एवरेज। सुबह आज हमने ब्रेकफास्ट किया, उसके ब्रेकफास्ट में ऑप्शंस था सिर्फ इडली एंड पोंगल, दैट्स ऑल। तो हमने ऑमलेट एंड हाफ फ्राई एक्स्ट्रा लिया था एंड डोसा, प्लेन डोसा जो उनके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किया, सरप्राइजिंग बट ठीक है एनीवे। हाँ बट अवेलेबल है, हाँ आप अपना अपने पसंद का थोड़ा खा ले सकते हो, तो बेटर कि आप डायरेक्टली बुक करो एंड खाने का पैकेज मत लो, आप अला कार्टे कर लो आने के बाद जो भी आपको मन करे, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है तो बना के दे देते हैं वो। स्टाफ बहुत अच्छे हैं, हाँ वेरी कॉर्टियस, यप आप उनसे कुछ भी कभी भी बोल सकते हो मांग सकते हो, यस वो लाके दे देंगे। बस अभी हम तो बांदीपुर से निकल आए हैं, अभी तो रास्ते में चल रहे हैं, तो यहाँ से घड़ी टोटल 220 किलोमीटर, 3.5 घंटे के आसपास। रास्ते में ये एक नायरा पेट्रोल पंप पड़ी, टॉयलेट पहले, हाँ टॉयलेट एकदम नीट एंड क्लीन, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वहाँ पे एक बोर्ड लगी हुई है डिजिटल बोर्ड जिसमें आप रेटिंग कर सकते हो कि आपको अच्छा लगा नहीं लगा कैसा लगा, राइट सैटिस्फैक्टरी हैप्पी एक्सेप्शनल अनसैटिस्फाइड सब है उसमें सारे ठीक, इसको टारगेट कर सकते हो। मतलब यहां से मैसूर जस्ट 20 किलोमीटर सो आप कैलकुलेट कर लो, इसे दिख जाएगी रास्ते में। हां हां मतलब ये रास्ते में इकलौती नायरा है, नायरा है एंड ह्यूज है तो दिख ही जाएगी। यप एब्सोल्युटली। पहुंच गए हम यस एक्सप्रेस वे के एंट्री में,
ऑलमोस्ट देयर यस ऑलमोस्ट देयर बस राइट लेके ही एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ से बेंगलुरु मतलब अपने घर तक 145 किलोमीटर एंड जस्ट 2 आवर्स यहाँ से तो वी विल जस्ट फ्लाई एग्जैक्टली तो मस्त कल तो आते टाइम टोल नहीं लगी थी पता नहीं क्या था इशू कुछ था शायद उनका अभी ज्यादा टाइम देखते हैं क्योंकि कल तो फ्री गए थे हम कल हमारा एंट्री में तो रोका था हमारा ये हुआ था राइट ठीक है बट एग्जिट में तो खुला ही था तो सब लोग निकल लिए तो बस राइस लेके एक्सप्रेसवे में टच करते हैं एंड फिर ऑल द वे टू बैंगलोर मिलेंगे एक्सप्रेसवे के बीच में है ना खाने के लिए रुकेंगे ना कहीं पे हां वो तो ढूंढना पड़ेगा फिर मिलेंगे वहां पे तो थोड़ा सा आते ही हमें ये कट मिल गई फिशलैंड के लिए तो बढ़िया सा अभी खा पी लेंगे सूट देंगे बहुत ज्यादा कोई डिटूर नहीं है एकदम छोटा सा है यस खा पी के फिर चल देंगे यो, तो चलो चलते हैं एकदम खाने के वहां पे देखते हैं हमने ऑर्डर कर दिया शेल फिश मैंगलोर स्टाइल जो बनाना लीव्स में होती है और उसके साथ फिर काका ने सजेस्ट किया नीम डोसा देख रही तो हमने कभी ट्राई नहीं किया राइट ना तो आने के बाद खाते हैं लाइम सोडा हाँ फ्रेश लाइम सोडा दैट तो ये गर्मी में मस्ट है सो ये आ गया हमारा नीर डोसा फ्रेश लाइम सोडा And fish. Oops. Looks yummy. खा पी के आ गए हम लोग सुपर रश क्या रश है मतलब जब हम लोग गए थे सिर्फ हमारा छोड़ के 10 गाड़ियां थी हम सेकंड लेन बना के गए थे राइट तो बता ली थी हाँ अभी तो कोना शोना कहीं पे भी एक सिंगल जगह राइट सामने वाला उनका इतना ही बड़ा ग्राउंड है जो ऑलरेडी फिल थी एंड दिस इज द सेकंड वन जो ऑलमोस्ट फिल है फुल्ली फिल है ह्यूज प्लेस बट क्या रश और क्या सुपर क्विक सर्विस बट अमेजिंग एक्सपीरियंस बढ़िया था आप लोग इसको टारगेट कर सकते हो मैसूर जाते हुए या मैसूर से आते हुए तो चलो बस हम अभी फिर से टच करते हैं एक्सप्रेस वे फिर मिलते हैं चोलाली देखते हैं अभी जाते टाइम पैसा लेते हैं कि क्या करते हैं एक ही लेन पड़ा है मतलब पड़ा नो पैसा ओके लेट्स सी एग्जिट के टाइम पे क्या होता है पहुंच गए एक्सप्रेसवे के एग्जिट मतलब टोल वाला जो पॉइंट है अब यहाँ से नाइस रोड का एग्जिट है मतलब नाइस रोड का एंट्री है सिर्फ 9.5 किलोमीटर और नाइस रोड टच करते ही ऐसा लगता है घड़ियाली वो तो होगा ही ना यस लास्ट टाइम कल जाते टाइम हमारी पड़ी नहीं थी फर्स्ट टैग आज आई होप कि पढ़े पता पड़ जाएगी थोड़ी देर में ही पढ़ तो लिया फाइनली बट नॉट श्योर पैसा का था कि नहीं क्योंकि जीरो जीरो दिखा रहा था एनीवे पता पड़ जाएगी थोड़ी देर में अगर पेटीएम का मैसेज नहीं आया तो बस आके हम मिल गए फिर अभी आगे जाके ही नाइस रोड का कटा जाएगा दिख रहा है सामने ग्रीन बोर्ड नाइस रोड के एंट्री में एज ऑलवेज खच्चा खच मैसूर रोड आज संडे है और एकदम पिक टाइम बजे का समय है मतलब सब कुछ जैसे होना चाहिए वैसा है बट हाँ मुद्दे की बात यह है कि फिलहाल बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे फ्री है फ्री सो पहुंच गए आके हम
नाइस रोड में यस यहां से बस और 26 किलोमीटर 32 मिनट्स के आसपास यहां से तो नाइस रोड का आपको पता ही होगा आज तक एकदम मारा मारी रहेगी अभी तो मारा मारी रहेगी संडे इवनिंग है आज गाड़ियां मतलब अबंडेंस में रास्ते में नाइस रोड में होगी है भी और ऊपर से आगे थोड़ा काम भी चल रहा है तो फिर उधर तो और लंबी लाइन होगी यस तो बस आज के ब्लॉग में तो और कुछ नहीं हम बस अभी जाके घर ही पहुंचेंगे है ना मैं सोच रहा हूं घर और कितनी बार देखोगे है ना तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे क्लोज करेंगे अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करो दोस्तों के साथ शेयर करो ये सीरीज आपको कैसे लगी पक्का बताना क्योंकि आज सफारी का जो एक्सपीरियंस था ना मस्त था बाकी सब्सक्राइब तो करो ही बिना सब्सक्राइबर क्यों जाओगे मिलते हैं अगले ब्लॉग में है ना चलो